रिसर्च ब्लॉग देख रहे हैं एजेंट की। आज मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ कानपुर का एक लौता ऐसा मंदिर जिसको कि हालांकि बहुत ही कम लोग जानते होंगे। किरोई नगर एरिया में ये मंदिर बना हुआ ई ब्लॉक से फायदा मंदिर के नाम का इस नाम से सुशोभित है। इस वक्त मैं यही मंदिर में मौजूद हूँ। अभी आपने बाबा के समाधि दर्शन किए और यहाँ पे अंदर मंदिर के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए आज उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में। हालांकि कहानियाँ तो बहुत सी हैं इस मंदिर पर। इस मंदिर में जो भक्त आता है उसकी समस्त मुरादें पूरी होती है, लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसा अनोखा है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। बाकी आप इस मंदिर का इस मंदिर की क्या कहानी है जो यहाँ पर मंदिर और भगवान शाम के इस दरबार में हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं। लोक कल्याण हेतु अनंत भगवान साईनाथ अवतार लिया है कि परब्रह्म साईनाथ भगवान हम सब के ऊपर सम दृष्टि रहते हुए सबके कल्याण के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया था। और अंत में आज हृदय दशमी के दिन उन्होंने लोक कल्याण की अपनी लीला को पूर्ण करते हुए अनंत समाधि ग्रहण की थी। कहीं नहीं गए हैं बाबा, उन्होंने केवल अपने स्पष्ट रूप को ही त्यागा है जो मनुष्य का प्रारब्ध है, उसे हर स्थिति में इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। तो आज बाबा का समाधि दिवस है और हम सब लोग उनकी हर हाँ प्रतिवर्ष की तरह पिछले साल लगातार मनाते चले आ रहे हैं। और इसके पश्चात भी बाबा का भोग बटेगा, प्रसाद को भी हम सब लोग इसको ग्रहण करेंगे और भगवान साईनाथ के जीवन चरित्र को अपना आदर्श मानते हुए उसका अनुसरण करेंगे और लोग कल्याण। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इस मंदिर की कुछ कहानी है कि यहाँ पे जो भी भक्त की समस्त मुरादें पूर्ण हुई ऐसा कुछ इसका व्यक्तिगत अनुभव कहते लगातार करते रहेंगे। अब तो देख रहे हैं कितना विस्तार हुआ है, सारे देवता यहाँ पर एक साथ एकत्रित हो गए हैं। भगवान भुवनेश्वर, भगवती कल्याणी मैया, भगवान साईनाथ भगवान के साथ में सहयोग करने के लिए इतने देवता यहाँ सारे के सारे इकट्ठे हैं। तो ये एक क्षेत्र बन गया है और इस क्षेत्र में प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ पर कार भूमि हुआ करती है। और बाकी हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बाबा के चमत्कार यहाँ बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब रोजगार मिले हैं, बहुत सारी औरतों को पुत्र रत्न की प्राप्ति है जो यहाँ पे आने वाले हैं। और इसी तरह के यहाँ इतने हजारों उदाहरण हैं जो कि चमत्कारों के जो बाबा ने काम किए और उनको लाभ प्राप्त हुई और वो लगातार इस दरबार से जुड़े हुए हैं और बराबर आते हैं। हर बृहस्पतिवार को यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है और वो आते रहते हैं। तो बाबा के चमत्कार यहाँ अक्सर लोगों को अनुभव होते रहे, उनके साथ बीतता भी रहा है, उनके काम होते रहे। बाबा के मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो भाई कब तक पूर्ण हो जाएगा, कब तक यहाँ पे पूरा मतलब सारे भगवान विराजमान हो जाएंगे? बाबा का मंदिर के सामने जो हमारे पांच भगवान, एक राम दरबार, हनुमान जी का दरबार, शंकर महादेव जी का दरबार, राधा कृष्ण और कल्याणी दुर्गा मैया का दरबार बनने जा रहा है। और ये हमारा स्वरूप अभी लगभग बन गया है, लेकिन इसमें पत्थर का निर्माण, मूर्तियों का आना, सब जयपुर वगैरह से हम लोग मूर्तियाँ खरीद कर लाएंगे, मूर्तियों को लेकर आएंगे और उसको बनाने में अभी लगभग साल भर लग जाएगा, क्योंकि कलाकृतियाँ बनेंगी पत्थरों में, तमाम सारी उसमें डिजाइन बनाई जाएगी, उसमें समय लगता है। वो साल भर में ही हमारा पांचों दरबारों का मंदिर बनकर कम भव्य रूप में चलते।
जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनसे आपको दरख्वास्त चाहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए? नहीं, उनका सहयोग महामहिम मोदी जी का तो हमें मिल ही रहा है, और योगी जी भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी हर मंदिर में भी सहयोग कर रहे हैं, और हमें उनके सहयोग नहीं, हमें उनके आशीर्वाद की जरूरत है और वो बराबर मिल रहा है। जैसा कि हमने मंदिर के बारे में जाना, यहाँ पे बहुत सी मान्यताएं हैं जो यहाँ पे जो विभाग आता है उसकी सभा से मनोकामना पूर्ण होती है, तब तक नहीं बने रही मेरे साथ। मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, वीडियो आनंद रसोगी जी के साथ, कानपुर, उत्तर प्रदेश। Thank you.